नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुराग शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। सिरोंज में सड़क पर चल रही बस एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई है। बस इंदौर से होते हुए भोपाल और सिरोंज से गुजरते हुए नेपाल जा रही थी, वहीं अचानक सिरोंज के पास लटेरी रोड पर बस दुर्घटना का शिकार हो गई है। चश्मदीदों के मुताबिक बस सीधे एक मकान में जा घुसी थी, जिसके चलते बस पलटी खाकर पलट गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने घटना स्थल पर तुरंत पहुंचकर घायलों को बस में से निकालकर उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं, वहीं एक बस यात्री गंभीर रूप से घायल है। बस में सवार ज्यादातर लोग नेपाल के थे। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से एलन चौबे की रिपोर्ट। ये बस का उस मालूम नहीं, मैं भोपाल से आया। अच्छा, अब ये कहां पर जा रही थी? सिनोली। अच्छा, सिंगरौली जा रही थी, नेपाल के पास में। हाँ जी। अच्छा, कितने लोग थे इसमें अभी? वो तो मालूम नहीं कितना लोग था, मैं तो लास्ट में। अच्छा अच्छा, लगभग कितने लोगों की लग गई अभी? अभी छोटे एक दो को लग गई। अच्छा अच्छा।